हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं तुषार चौधरी आपके लिए ईडी ऑनलाइन क्लासों लेते आया हूँ। आज मैं आपको डायगोनल स्केल पढ़ा रहा हूँ कि यह क्वेश्चन दिया गया है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। तो क्वेश्चन दिया है, एक प्लांट तथा क्षेत्रफल 86,400 मीटर स्क्वायर है। मानचित्र पर प्लांट की लंबाई तथा चौड़ाई 12x6 8 है ना, 12x8 है। पैमाने का निरूपित भिन्न ज्ञात कीजिए तथा उपयुक्त पैमाना बनाइए। 300 मीटर तक पढ़ने के लिए पर्याप्त पैमाना बनाइए। 8 मीटर तक पढ़ सकते पैमाने पर 186 मीटर की दूरी अंतित करो। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले RF निकालेंगे, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यह देखते हैं कि क्या क्या दिया जीवन अस दीवान अस। सबसे पहले क्षेत्रफल दिया हुआ है, प्लांट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और एरिया तो ए से शोध करते एरिया दिया है 12x8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः 1 सेंटीमीटर दर्शाने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दर्शाने के लिए हमें RF की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं मीटर अपॉन 96, तो आपका आंसर आ जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। शो यानी 8 मीटर 900 मीटर स्क्वायर को शो करेगा। तथा हम इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 30 मीटर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 मीटर हो जाएगा। RF आप निकालना है, RF यहाँ हो जाएगी। हाँ, ये दिया है। अब RF हो जाएगा आपका यहाँ पे RF 1/30 क्या है मीटर। तो मीटर तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका RF हो जाएगा 1/33,000। अब हमें लेंथ ऑफ स्टील निकालना है। लेंथ ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मल, हाँ, मैक्सिमम लेंथ 300 मीटर दिया है, ये दे तो लिखा हुआ 300 मीटर पढ़ने के लिए बना। RF इंटू मैक्सिमम लेंथ या लेंथ ऑफ स्टील का फार्मूला है। तो इस फार्मूले में हम मान रहते 1/3000 इंटू 300 इंटू 100। तो इसे हम तो लेंथ ऑफ स्टेल हमारा आधा 10 सेंटीमीटर। हमने यह कैलकुलेशन टोटल कर लिया है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हम डायगोनल स्टेल बना रहे हैं। तो डायगोनल स्टेल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंथ ऑफ स्टेल 10 सेंटीमीटर आया है, तो हम 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। 10 सेंटीमीटर
की यह लाइन खींचना है। 2 मिनट रुक जाओ, ये हमने 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली है। अब हम इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे, तो 3 भागों में डिवाइड करने के लिए एक इंक्लाइन लाइन खींचना पड़ता है। तो यहाँ से हम एक इंक्लाइन लाइन खींचेंगे, यह हमने इंक्लाइन लाइन इंक्लाइन लाइन खींचे। अब इस इंक्लाइन लाइन को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। अब तो पता है 10 सेंटीमीटर के लाइन को हम 3 भागों में इक्वल डिवाइड करते नहीं तार सकते, इसलिए हम इसको यह वाली विधि फॉलो करेंगे। एक, 2, 3, यह 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। ये 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसकी हाइट लेंगे हम, तो हाइट हम 3.2 लेते हैं, या तो इसकी हाइट का भी रेशियो है 3.2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर लेना पड़े। 1, 2, 3 हाइट हमने ले ली है। यह हमने ले लिया। अब इसको हम नामकरण करेंगे या फिर विनोदित करेंगे, तो इसको हम करेंगे 0, 100, 200 और यहाँ पर लिखेंगे हम इस पे 100 मीटर नहीं, 100 मीटर। अब ये जो बात है इसे हम 10 भागों में और बांटेंगे। इंक्लाइन तार थे या मारता दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 3, 6, 3, 9, 10 अब इसे भी हम वैसे ही भाग में लाइन दे, लास्ट का लाइन से मिला दिए हमने, और रोलर स्टेल तो पीछे सरकाते हुए हम चलेंगे।
मिला दें। अब इसमें क्या डालते, स्टेट नी सीधी लाइन इंक्लाइन लाइन हम ड्रॉ करते हैं कहाँ पे, इस पॉइंट स्पेस से। ये हमारा डायगोनल स्केल बन रहा है, इसलिए अब यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पे इसे नाम देंगे और इसे भी नाम देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब इसे हम नीचे से नाम देंगे, यहाँ पे दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएगा या 9 आएगा, यहाँ पे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। यहाँ आ जाएगा 10 मीटर, यहाँ आ जाएगा मीटर ऐसे। अब हमें शो करना है यहाँ पे 8 मीटर 80 या 100, 90 और 100। ये 80 यहाँ आ जाएगा और 6, तो 100 तो याद है, 80 यहाँ पे आ जाए, 6 नीचे से ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे आ जाए। और 1 यहाँ पे आ जाए।
इसे हम इस तरह मिला देंगे, यहाँ एरो बना देंगे अपन, हम यहाँ लिखेंगे 1 8 6 मीटर और यहाँ पे अपन सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्टेल यहाँ पे आर एफ लिखते हैं हम, आर एफ 1/3000। अगर यह पूरा स्टेल बनाते आते हैं सबसे पहले हमें पूरे प्लांट एरिया दे दिया, उतना लंबाई और चौड़ाई दे दिया जिससे हमने भाग लगा के यह निकाल लिया मीटर, तो ये सेंटीमीटर हमने 30 मीटर तो माना, क्या किया 30 मीटर तो आधे पादे मीटर में है, यहाँ पे मीटर में यह सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो यह सेंटीमीटर है यह मीटर है, तो हमने मीटर करके 3000 हो गया आधे, और लेंथ ऑफ स्टेल का इनपुट करके लेंथ ऑफ स्टेल निकाल लिया। उसके बाद हमने यह डोरी ली, डोरी लेने के बाद हमने 3 भागों में डिवाइड किया, 100 200 और 300 है, तभी भी यहाँ 0 देना, फिर 10 से गिनती चालू थी 10 20 30, तो ये 100 मीटर में आ जाए, 10 मीटर ये मीटर, फिर हमने दिनों के करते ये लिख दिया लेंथ ऑफ स्टेल हो रहे ये बंद। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, थैंक यू।